नमस्कार सारथी, एक संवाद, एक विशेष प्रोग्राम में आपका दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारथी एक संवाद आपका पिछले इतने दिनों में एक बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम हो गया है और हम लोग इसमें विभिन्न लोगों को ला करके आपको हम उन धर्मों, उन संस्थाओं या हम उन लोगों की बात करते हैं जो कि भारत ही नहीं विश्व में भारत का डंका बजा रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक प्रोग्राम में, जबकि आज हम टाटा स्काई पे भी हैं और हमें हमारे और भी दर्शक जो टाटा स्काई के हैं वो सारथी एक संवाद के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम है आर्य समाज के लिए और हमारे दो बहुत ही जाने माने आर्य समाज से संबंधित लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक हैं धर्मपाल आर्या जी जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे हैं डॉक्टर देव शर्मा जी जो कि वैदिक विद्वान हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना समय निकाले और एक विशेष कार्यक्रम में आप लोग आए। शर्मा जी, बात यह है कि आर्य जी, बात यह है कि जो आर्य समाज के हिसाब से आज हम लोग अगर बात करें, हमने बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन किया सारथी एक संवाद में आर्य समाज में, लेकिन आज हम लोग अगर वर्ण व्यवस्था या हम लोग वर्ण आश्रम के बारे में बात करें तो उसके लिए आर्य समाज में क्या वो है, किस तरह का वो आर्य समाज मानता है कि वर्ण आश्रम कैसा होना चाहिए, तो इस पे अगर आप अपना कुछ प्रकाश डालें तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारे एक एक बनाए हुए हैं, तो आर्य समाज इस पे क्या कहता है? मैं अपने दर्शकों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्णाश्रम दरअसल में एक शब्द नहीं है। वर्ण आश्रम दो शब्द हैं। एक वर्ण और दूसरा आश्रम और एक आश्रम। जी, वर्ण शब्द ये बेसिकली संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है वृणुते, अर्थात जो अपनाया जा सके, जिसको मैं अडॉप्ट कर सकूं। अगर मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता तो वो वर्ण नहीं होगा। जैसा आपने अपनी बात में कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं। अगर मैं ये मान लूं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म से है, तो जन्म से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र होना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कभी आपने कहीं देखा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होगा? कहीं होता है? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, हो सकता है। हो सकता है किसी एक कि उसको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उसको ऐसा माहौल मिलता है, उसको उस माहौल की सपोर्ट मिलती है, तो उस माहौल में ढलने के लिए उसके लिए संभावनाएं हैं, अधिक हैं। अधिक है मतलब उसको ज्यादा, केवल इतना तक, मोटिवेशन ज्यादा है उसको। उसको मोटिवेशन ज्यादा है जी। लेकिन ऐसा कहना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, ठीक ऐसे है जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, ये कहना जी। जी, मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत मोटा, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, रावण का उदाहरण। रावण सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि वो ऋषि कुल में पैदा हुए, वेदों के प्रकांड पंडित थे, इतने बड़े विज्ञाता थे कि विभीषण ने ये कहा था कि महाराज उसके पास ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को लेने के लिए जाइए, जाना चाहिए। बिल्कुल, इतना ज्ञाता व्यक्ति, लेकिन क्या ब्राह्मण कहलाया? नहीं, क्या कहलाया? सब लोग उसको राक्षस, उसको राक्षस कहते और लगातार ये बात बोली गई कि राक्षस है वो, राक्षस। और राक्षस नहीं, राक्षस राज कहा गया जी। इसके ठीक विपरीत भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन क्या उनको हम क्षत्रिय के नाते जानते हैं या पूजते हैं?
उनको एक ब्राह्मण की दृष्टि से सारा संसार पूजता है, ब्राह्मण भी पूजते, सभी लोग, विश्व पूजता है जी, जी। तो क्या माना जाएगा कि वो ब्राह्मण होकर के भी नीच कुल में हो गया और ये क्षत्रिय हो, और ये क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण हो गए जी, भगवान के बराबर बन गए। केवल ये उदाहरण समझने और समझाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये चाहूं कि मैं कुत्ता बन जाऊं या घोड़ा या गधा या गाय बन जाऊं तो मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये है जाति। जाति का अर्थ ये नहीं है कि जो जन्म से होती है, जो जन्म से हो, मैं जिसको परिवर्तित ना कर सकूं वो जाति है। तो मेरी जाति क्या हुई? ब्राह्मण जाति नहीं है ना, मनुष्य जाति है। मनुष्य मेरी जाति, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य मेरी जाति है। मैं उसको चाह करके भी परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं जन्म से हूं। जो मैं जन्म से हूं वो क्या है? वो मेरी जाति, वो मेरी जाति है, वर्ण नहीं है। तो जाति और वर्ण का आपने एक मोटा मोटा अंतर समझाया। शर्मा जी, आपके क्या विचार हैं इसमें, जिस तरह से आपने बता रहे हैं आर्य जी? देखिए, अभी माननीय धर्मपाल जी ने बहुत ही सुंदर विचार इस व्यवस्था को लेकर के रखे। मैं वेदों से जुड़ा हूँ जी, इसीलिए और, और वेदों की बात करता हूँ जी। तो वेद जो भगवान की अपनी वाणी है, जो सबके लिए है, परमात्मा ये घोषणा करते हैं मेरी ये वाणी सबके लिए है, समाज के सब वर्गों के लिए है। और जहाँ चार वर्ग की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहाँ पंच जना कहते हैं वेद में, पंच जना, जो इनसे भी बेचारा कोई छूट गया हो वो उसमें, वो पंच जना में आ रहा है। तो कह रहे मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ उन सब के लिए है और बराबर बराबर है, किसी के लिए कम और अधिक नहीं है, ये वहाँ वर्णन करते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये सब अग्नि में अयजंत हवन करें, ये मेरे पांचों लोग, पंच जना अग्नि में अयजंत, ये पांचों लोग अग्नि में हवन करें। और ये भी कहा गया है कि ये सारे के सारे स्नेह से रहें, समान हृदय वाले हों, समान मन वाले हों, और द्वेष ना हो इनके अंदर, और प्रेम भाव से रहने वाले हों। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा और उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा काम, मैंने जैसे भी धर्मपाल जी ने कहा, वर्ण का अर्थ चुनाव है, व्रण करना है, मैंने चुन लिया है। क्या चुन लिया है? कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षात्र धर्म मेरा कर्तव्य है और मैं यही करूँगा। और उन्होंने इसी को किया और करते करते एक बहुत सुंदर बात कही, मेरा यही कर्तव्य है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, मैं अपने काम से परमात्मा की उपासना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, और उसी को मैं ये मानता हूँ कि इसी से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये बहुत सुंदर एक प्रकार रहा है हमारा, लेकिन वेदों की शिक्षा जब जब से कम हुई है या उनके अर्थ समझने में हम लोग असमर्थ हो गए हैं या हम लोग आलसी या प्रमादी बन गए हैं, तब से हमने अर्थ हो गए अनर्थ करके या अपने अनुकूल उनको बना लिया है। जैसे जैसे मुझे सुविधा रही मैंने उसके हिसाब से घुमा, उसके हिसाब से मैंने उसको घुमा लिया है, और जो मुख्य टेक्स्ट था उसको मैंने छोड़ दिया है, तब से कुछ भ्रम और भ्रांति हमारे बीच में फैली है जी। नहीं, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो चारों से छूट जाए, अरे जी आप भी इस पे ध्यान दें, जो चारों से छूट जाए, तो क्या ऐसा भी कोई है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद अगर हम देखें तो जो आर्या जी ने जो कहा कि हम जो है कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, कर्म से तो छूट सकता है लेकिन जन्म से कैसे छूट सकता है? हाँ, देखिए उस जन्म से छूटने वाली बात नहीं है उसमें। जो लोग हमारे आदिवासी लोग हैं जी जी, जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँची अभी जी जी, जहाँ जानकारी, विद्या और अच्छे किसी कार्य की किरण तक नहीं पहुँची है जी जी, जो अभी कुछ शूद्र तो हमारे यहाँ उसको कहा जो हमारे बराबर में, बिल्कुल बराबर में है,
और हर कार्य में हमारे सहायता कर रहा है और जुड़ा हुआ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि हम सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय तक हम सब लोग एक पंक्ति में बैठ के भोजन किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण सबको प्रणाम करते थे, इतने महान होते हुए भी सबको नमस्ते करते थे। तो उनसे भी अलग जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर हैं अभी भी, जहाँ तक हमारी विद्या की प्रकाश की किरण नहीं पहुँची उन तक, जो भी जीना तक नहीं समझे हैं, जो भी खाना तक नहीं जानते हैं, ऐसे जो हमारे लोग बहुत दूर हैं। शूद्र तो बहुत ऊँची चीज़ है, बहुत ऊँची चीज़ है। शूद्र को लोगों ने तो काम ही नहीं हो सकता, शूद्रों को शूद्र लोगों ने कह करके उसको अपमानित कर दिया है। जबकि अभी हमने सुना कि एक व्यक्ति अपने परिश्रम से वो महान बन सकता है, वो ब्राह्मण बन सकता है, वो परमात्मा के उस रस को आनंद को ले सकता है, तो वो तो एक बहुत ऊँची चीज़ है। लेकिन उससे भी जो बहुत नीचे चले गए, जहाँ जहाँ अभी तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाए, जो हमारे भाई हैं उनको हमें अपने गले लगाना था, हमसे छूट गए, उनकी बात करता है ये वो कहते हैं जी। आपका क्या मानना है? बात ये जी कि दरअसल में शूद्र शब्द को बदनाम अधिक किया गया, उसको एक मतलब एक शेप बना दिया, एक गया शेप उसको दे एक, दे एक मतलब उसके लिए एक इमेज बना दी गई। हाँ जी, जी हकीकत में क्या है कि हकीकत में आज भी सब जगह चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, किसी विभाग में हो, वहाँ ऑफिसर से लेके क्लर्क से लेके और नीचे लेकर के आप कहते हैं ये ग्रेड वन ऑफिसर, ये ग्रेड टू ऑफिसर, ये ग्रेड थ्री ऑफिसर, ये क्लास वन, क्लास फोर ऑफिसर, क्लास फोर, ये ग्रेडिंग हर जगह है। लेकिन वहाँ पे क्लास ग्रेड ये शब्द प्रयोग हो गया तो उसको बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं अपने आप को शूद्र शब्द से व्यवहारित करने लगता हूँ जब, तो वो तो मुझे लगता है कि मैं एक और उदाहरण देकर के समझाता हूँ जी। लोग एक मंत्र का एक रेफरेंस देते हैं कि पदभ्याम शूद्रो अजायत, और ये कहकर के वो ये बताना चाहते हैं कि वेद में मनु में शूद्र को पांव से पैदा दिखाया, ये कह करके ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि मनु ने हमारी भावनाओं को आहत किया इसलिए मनु को ना माने, इसलिए मनुवादी शब्द प्रचलित हो गया। कुछ लोगों ने हकीकत क्या है वो आपको रूबरू कराता हूं जी। हम लोग उसी मंत्र में जहां ये शब्द, एक टाइम छोटे से ब्रेक का हो गया आर्या जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि आप जो चीज़ जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो हमारे बहुत से दर्शक बहुत ही दिल थाम के सुनेंगे। अभी एक ब्रेक का समय हो गया, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ये वेद का मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। पूरा फिकरा ये है, पूरा मंत्र ये है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे आर्य समाज की, और ये चर्चा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे हमने ब्रेक लिया था। हमारे साथी धर्मपाल आर्या जी बता रहे थे कि कुछ लोगों को ऐसे स्टैम्प किया गया है या उनके ऊपर एक तरह से ये थोप दिया गया है कि उनका जन्म पैरों की तरफ से हुआ, या हम उनको शूद्र भी कहते हैं। तो आर्या जी बताएं कि ये क्या मतलब, इसमें सच्चाई क्या है और आर्य समाज इसमें क्या मानता है? दरअसल में ये जो वाक्य है ये मनु के नाम से प्रचलित हुआ जी। दरअसल में ये मनु का वाक्य नहीं है जी, ये वेद का मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। पूरा फिकरा ये है, पूरा मंत्र ये है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका अर्थ मोटा मोटा ये है
कि ब्राह्मण मुख से पैदा हो जी, अगर ये लगाया जाए तो इसका अगर जबकि अर्थ ये नहीं है। जी जी जी, ब्राह्मण मुख है, मुख है, मुख है मतलब ज्ञान विज्ञान का ये वाला पार्ट है, ज्ञान विज्ञान का पार्ट है। बाहु राजन्य कृता, जो राजन्य है क्षत्रिय है वो बाहु के बाहुबल, ये रक्षा करना न्याय व्यवस्था देखना वो उसका काम है, ये उसका काम है। जे उरु तदस्य यद वैश्य, वैश्य जो है वो उरु है, पेट क्या करता है, आप खाते तो मुंह से हैं लेकिन वो जाता कहाँ है, जाता पेट में है। ब्राह्मण का काम है लेना और देना, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड सप्लाई, ये काम किसका है, ये ब्राह्मण का। कृषि का कार्य वैश्य का, कृषि कौन करेगा, वैश्य करेगा। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो वैश्य का काम। पेट क्या करता है, क्या अपने पास रख लेता है, नहीं, पेट उसको सप्लाई अलग अलग करता है, उसमें सप्लाई करता है, उसको ब्लड बना करके उसको सब जगह सप्लाई करता है जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती रहे, पूरी बॉडी चलती जी। मैं और पदभ्याम शूद्र हो जाए तो जो शेष अंग है वो पैर। मैं एक मोटी बात आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इसका ये अर्थ लगाया जाए कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, तो क्या किसी को आपने मुंह से पैदा हुआ देखा गया, क्या किसी को बाजू से पैदा होते हुए देखा, ऐसा कोई, क्या किसी को पेट से पैदा होते देखा, नहीं, नहीं। हकीकत में हर व्यक्ति मनुष्य मात्र, मनुष्य जाति वो पांव से ही पैदा हुई, और ये कहना अपमानजनक नहीं है, अपमान, मैं किसी भी चीज को अपने ऊपर थोप लूं और अपने को अपमानित महसूस करने लग जाऊं तो ये मेरी गलती है, ये मेरी कमी है, ये मेरी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, मैं उस चीज की हकीकत को नहीं जानता हूं, मतलब अज्ञानता, ये मेरी अज्ञानता है। जी जी, मनु ने ये कहा है कि जन्मना जायते शूद्र, अगर हम ये बात भी मान लें कि पदभ्याम शूद्र हो जाए तो हर व्यक्ति पांव से पैदा हुआ, यहां से पैदा हुआ जी हाँ, तो फिर तो मनु की ये बात ठीक है, जन्मना जायते शूद्र, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है। शूद्र का अर्थ क्या है, शूद्र का अर्थ है जो पढ़ा लिखा नहीं, ब्लैंक, कोरा, वो शूद्र है। कोई जन्म से सीख पढ़ के आता है, नहीं सार, तो मनु ने स्पष्ट कहा है जन्मना जायते शूद्र, तो मतलब इस श्लोक का अर्थ ये है, संस्कारा द्विज उच्चते, संस्कार से ये ब्राह्मण, द्विज, द्विज का क्या अर्थ है, मतलब दूसरा, द्विज शब्द का अर्थ है द्वि माने दो, दो ज माने पैदा होने वाला, क्या कोई व्यक्ति दो बार पैदा होता है, होता है। द्विज उनको भी कहते हैं जो पक्षी हैं, क्यों कहते हैं द्विज, वो दो बार पैदा होते हैं, एक बार अंडा होता है और एक बार उसमें, और एक अंडे से निकलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। मनुष्य को द्विज किस लिए कहते हैं कि एक बार पैदा होने के बाद फिर वो संस्कार से द्विज बनता है, मतलब वो फिर अपने कर्मों से द्विज, अपने कर्म से, जो जैसे उसके जो संस्कार होंगे, जैसे वो कर्म करेगा उस हिसाब से उसका वो दो जन्म, वो दो जन्म हो जाएगा, और नहीं तो उसका एक जन्म है, फिर वो शूद्र रह गया, फिर तो जो है वो फैक्ट्री के अंदर माल गया जी जी, उसकी चीज बननी थी, एक पर्टिकुलर आइटम बननी थी, वो बनने से रह गई, तो इट इज लेफ्ट कि भाई ये चीज, वो जो बनना था, इसका प्रोडक्ट बनना था, वो रह गया। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि हमारा जो एक जन्म है, दूसरा जन्म हमारा वो है जो हमने हमने जो पढ़ा लिखा, या जो, क्योंकि हर बच्चा एक ब्लैंक है, उसको हम जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो हम उसको बताएंगे वो होगा। तो वर्ण व्यवस्था में इस तरह के जो उदाहरण हैं उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, आप जो आप वैदिक विज्ञान है, आपने भी वेदों का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं,
देखिए इसमें इसी मंत्र के साथ में एक मंत्र और है जिसमें कहा गया है ब्रह्मणे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? वो जानकारी और समझ में, बुद्धि में जो तेजस्वी है, वो कोई भी हो सकता है। जो समझ में, बुद्धि में, जानकारी में, जो अपनी बुद्धि का उपयोग एकदम तत्काल कर सकता है, डिसीजन दे सकता है, डिसीजन ले सकता है पूरे समाज को, उसको ब्राह्मण कहा गया। जिसकी भुजाओं में बल है वो कोई भी हो सकता है, वही राष्ट्र की रक्षा करेगा। और जो देने की, ऐसे नहीं कि केवल मैंने कमा लिया तो मैं ही खाऊंगा, जिसके अंदर बांटने की, बांट करके खाने की क्षमता वो कोई भी हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और तपसे शूद्र, तपसे ये शूद्र के लिए कहा गया है कि वो तपस्वी होगा और तपस्या से आगे बढ़ेगा। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी मैं कुल्लू में था, वहाँ मैंने देखा एक परिवार में सारे बच्चे IAS ऑफिसर, उस परिवार के जिसको हम शूद्र कहते हैं, उस परिवार के 10-10 बच्चे IAS ऑफिसर हैं। और जब एक व्यक्ति IAS ऑफिसर बन के कुर्सी बैठता है, कोई इसको शूद्र कहने की हिम्मत रखता है? कोई सवाल ही नहीं है। सब सर सर करके उसको बोलते हैं। तो उन उन उस परिवार से को जो जो बच्चे निकले और इतनी हाइट तक पहुँचे, कारण था कि वहाँ उनको अवसर मिले। अवसर मिलते ही वो बच्चे भी आगे बढ़ गए। तो यही तो अवसर देने के लिए वेद कहता है कि सब अवसर सबके समान हैं। वो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि अब जैसे जो 10 बच्चे IAS ऑफिसर हैं, वो भी इस छूट का सहारा लेते हैं, वो भी उस जो छूट उनको मिली, जो सहायता उनको मिली है, पर वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे जिन परिवारों को सुविधा मिली, चाहे आरक्षण से मिली, चाहे किसी की और सहायता मिली, और उससे वो उस समय सक्षम हुए, आगे बढ़े, तो आगे उनको छोड़ देना चाहिए था। ऐसे ही दूसरे लोग हैं जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो अपनी विद्या पा करके ब्राह्मण तो बने, लेकिन अब उनको आगे अगर उनके बच्चे नहीं उस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो छोड़ देते कि अब ये मेरा बच्चा तो क्षत्रिय बन गया, मेरा बच्चा तो ये शूद्र बन गया। तो वो मन की पवित्रता थी, जो वेद कहता है मेरा मन पवित्र हो, मेरे अंदर पवित्र हो, मैं बाहर से भी वैसा ही हूँ, अंदर से भी वैसा ही हूँ, अर्थात मैं अकेला किसी भी चीज़ का उपभोग करने वाला नहीं बनूँ। सब, चाहे विद्या है, चाहे बल है, चाहे तपस्या है, वो सबको करनी है, वो सबके लिए बराबर है। और इसीलिए हमारे यहाँ लोग मंदिरों में नहीं जाने देते। उसका भी दुष्परिणाम ये हुआ कि वेद तो मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं देता। वेद तो ये कहता है सब मिलके हवन करो, यज्ञ करो, आप सब सब पूर्ण है। किसी का क्या अधिकार कोई मंदिर में ना जाने दे? वो किसका मंदिर है? भगवान का मंदिर सबके लिए खुला है, और वो आपके घर में भी है। आप घर में क्यों नहीं बनाते अपने यज्ञ करके अपने घर को मंदिर? आप अपने घर को यज्ञ करके मंदिर बनाइए, आपको कौन रोक सकता है? आप आगे बढ़िए। आप तो वही चीज़ है कि जब हम मिल के चलेंगे, सबके मन में प्यार होगा, सबका मन मिला हुआ होगा, द्वेष नहीं होगा, और सबको बांट करके खाने की आदत होगी, तो तभी तो ये सारी चीज़ें सफल हैं। अन्यथा तो फिर बट बट करके हम लोग किसी को शूद्र कह रहे, किसी को ब्राह्मण कह रहे, किसी को कुछ कह रहे, किसी को नीचा, किसी को ऊंच, ये तो मेरी व्यवस्था नहीं है। तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल अलग बढ़ती चली जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत जो सामान्य लोक में आता है। हमारे भाई ये समझते हैं कि हमें पाँव कह दिया तो हमारी भावनाओं को ठेस लगे। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं, कोई बालक है वो अपने गुरुजी को क्या करके सम्मानित करता है? पाँव छू के सम्मानित करता है या ब्राह्मण को छू के सम्मानित करता है? नहीं, कोई भी पाँव छू के सम्मान, पाँव को छू करके सम्मान होता है। अर्थात अगर मैं, आप पाँव को शूद्र मानते हैं तो उसे छू के सम्मान, तो उसको छू करके सम्मानित होता है व्यक्ति। कोई सर को छू करके सम्मानित नहीं होता। बहुत सुंदर जी, जी बहुत अच्छी बात आपने, बहुत सुंदर बात आपने जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से आज हमारे धर्मपाल आर्या जी और देव शर्मा जी ने जो वर्ण आश्रम है या वर्ण व्यवस्था को बहुत ही छोटे, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने आप तक पहुंचाया कि आखिर में इसका मतलब क्या है। कोई जन्म जाति से कुछ नहीं होता, बेसिकली हम सब जो हैं वो पैदा एक जैसे हुए हैं। हमें हमारी जो योग्यता है, जो हमारा, जो हमें जो संस्कार धीरे 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 जो मिले, हम उनके अनुसार बटे होते हैं और सबको समान अधिकार होता है। देवदत्त शर्मा जी और आर्या जी, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दर्शकों, हम लेते हैं आपसे विदा।
कहीं जाइएगा नहीं, आगे सारथी में आपके लिए बहुत कुछ है। नमस्कार।